नई दिल्ली में इजरायली राजदूत नाओर गिलोन ने यह मांग की है कि भारत को फिलिस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए। गिलोन कहते हैं कि हमास के साथ जारी इजरायल के युद्ध का असर ना तो I2U2 यानी कि जिस संगठन में भारत, इजरायल, अमेरिका और यूएई हैं, इस पर पड़ेगा और भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC जैसे कार्यक्रमों पर इसका असर पड़ेगा। ये युद्ध इसराइल की अर्थव्यवस्था पर भी भारी नहीं पड़ेगा। गिलोन ये मानते हैं कि दुनिया के लोकतांत्रिक देश इस वक्त इसराइल के साथ हैं। वक्त आ गया है जब भारत को आधिकारिक रूप से हमास को आतंकवादी संगठन घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि यूरोपीय संघ, अमेरिका, कैनेडा, ऑस्ट्रेलिया ये देश पहले ही ये काम कर चुके हैं। भारत ने गिलोन की इस मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन इसराइल और हमास युद्ध ने भारत समेत दुनिया के तमाम ऐसे मुल्कों के सामने आर्थिक चुनौतियां पैदा कर दी हैं, जहां एक ओर तो चुनावी दौर चल रहा है और दूसरा मौसम की मार से दाना, पानी, घर, इन मूलभूत सुविधाओं की आपूर्ति भी बाधित हो रही है। ऐसे में भारत समेत तमाम मुल्कों पर रणनीतिक दबाव के साथ साथ व्यापारिक चुनौतियां भी बड़ा रूप ले रही हैं। विश्व का सबसे बड़ा मंच संयुक्त राष्ट्र भी कमजोर नजर आने लगा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट हिंदी टीवी। मेरा नाम है नेहा शुक्ला। स्ट्रेट टॉक में आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। तो स्ट्रेट टॉक में आज हम समझेंगे कि क्या जो इसराइल की तरफ से मांग आई है इस पर भारत कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया देगा, या फिर खामोशी बरती जाएगी, या फिर जो टू स्टेट थ्योरी है उसी की पैरवी करते हुए भारत जो है इस मसले पर कूटनीति का रास्ता अख्तियार करेगा और फिलहाल ऐसे किसी कृत्य से अपने आप को बचाने की कोशिश करेगा। नाओर गिलोन ने यह कहा है कि उन्होंने हमास को आतंकवाद संगठन घोषित करने के मुद्दे पर भारत में संबंधित अधिकारियों से बात भी की है। उन्होंने कहा है कि हम पहली बार ये बात नहीं कर रहे हैं और हम इसके लिए दबाव भी नहीं बना रहे। हमारा ये मानना है कि ये वो काम है जो पहले से ही हो जाना चाहिए था। हमने हमास के हमले के बाद ये मुद्दा फिर उठाया और हम अभी इस पर चर्चा कर रहे हैं। ये दोस्ताना चर्चा है। हम दोनों ही मुल्क आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करते हैं। कई सारे सवाल निकलकर अभी जो मौजूदा स्थिति इसराइल और हमास युद्ध को लेकर है, ऐसे में कई सवाल हैं जो हम अपने स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं। ये सवाल क्या हैं हम अपने दर्शकों के सामने रखते हैं और उनकी जो भी राय है इन सवालों पर आप हमें ज़रूर इसके बारे में फीडबैक भेजें कि क्या भारत हमास को आतंकवादी संगठन घोषित करेगा, कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आएगी, क्या वर्ल्ड लीडरशिप क्राइसिस में भारत मध्यस्थ बन सकता है, क्या I2U2 और IMEC के प्रयासों को युद्ध से झटका नहीं लगा है जैसा कि दावा इजरायली राजदूत ने किया है, क्या पश्चिमी देशों के इशारे पर संयुक्त राष्ट्र को कमजोर किया जा रहा है। कुछ आवाजें इस तरह की भी निकलकर सामने आ रही हैं, UN प्रतिनिधियों को इजरायली वीजा से इनकार कर दिया जाना क्या किसी लोकतांत्रिक देश का कदम कहा जा सकता है। हालांकि बहुत सारे नियम इस युद्ध में टूट रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय नियमों के उल्लंघन का आरोप दोनों तरफ से लगाया जा रहा है, लेकिन जो पूरा का पूरा जो मसला है, मानवीय मसला, उसकी कोई बात नहीं कर रहा है। फिलिस्तीन पर जो लगातार वहाँ के जो नागरिक हैं, हताहतों की संख्या हर गुजरते दिन के साथ बढ़ रही, खासकर बच्चों की मौत पर चिंताएं जता रहा है संयुक्त राष्ट्र। लेकिन इसराइल ने साफ साफ महासचिव के स्टेटमेंट को लेकर जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया दी, कड़ी आलोचना की, उनके इस्तीफे की मांग की और अब UN के प्रतिनिधियों को वीजा से भी मना कर दिया गया है, तो एक बार फिर से सवाल उठ रहा है कि संयुक्त राष्ट्र का प्रभाव क्या है और क्यों दुनिया के तमाम लोकतांत्रिक कहे जाने वाले मुल्क संयुक्त राष्ट्र के जो नियम है, बनाए गए नियम है, या फिर उसकी भूमिका को ही जो है दरकिनार करने की कोशिश करते नजर आते हैं या फिर उसको सीमित करने की कोशिश करते हुए नजर आते हैं। अमेरिका का क्या स्टैंड है, इन सभी मसलों को और इन सवालों को समझने के लिए हमारे साथ आज एक बहुत ही प्रबुद्ध पैनल जुड़ चुका है। आइए स्ट्रेट टॉक में उनका स्वागत करते हैं। हमारे साथ अधीश राज भल्ला जुड़ चुके हैं, दिल्ली से नेशनल यूथ पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अधीश जी। हमारे साथ नीलम चौधरी जुड़ चुकी हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं नीलम मैम। और हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़ चुके हैं जो कि विदेशी मामलों के जानकार है, मध्यपूर्व को काफ़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। अधीश जी, क्यों ना शुरुआत में आपसे करना चाहूँगी। हमास की निंदा तो की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, बल्कि मैं कहूँगी कि बहुत जल्दी में रिएक्शन आया था भारत की तरफ से, और जो भी विशेषज्ञ उन्होंने कहा था कि इतनी जल्दबाजी नहीं दिखानी चाहिए थी, थोड़े मौके की संवेदन
संवेदनशीलता को समझते हुए एक कूटनीतिक स्टेटमेंट आना चाहिए था, ना कि किसी का पक्ष लेना चाहिए था। अब जब इजरायली एम्बेसडर ने ये मांग कर दी हमास को आतंकवादी आउटफिट घोषित करने की भारत द्वारा, तो फिर आपको क्या लगता है कि क्या एक ये प्रेशर बनाने की कोशिश या फिर सिर्फ दोस्ताना रिश्ता है, जैसा कि गिलोन कह रहे हैं उनके शब्दों पर ही यकीन किया जाए? देखिए, सबसे पहली चीज ये है कि डेफिनेटली ये एक कदम है भारत सरकार, लेकिन इससे पहली चीज बताना चाहूंगा तो ये कि हमारा देखिए जो फिलिस्तीन से रिश्ता रहा है वो इजराइल के कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग और ज्यादा पुराना रहा है। इजराइल से जो हमारे दोस्ताना संबंध है वो ज्यादा लंबे नहीं है कंपेयर टू फिलिस्तीन। और इसके अंदर आप देखें कि इजराइल का जब गठन हुआ तो एक टाइम पर भारत के प्रधानमंत्री इसके टोटली अगेंस्ट थे, जवाहरलाल नेहरू जी, वो चाहते ही नहीं थे कि इजराइल की स्थापना हो इस दुनिया। तो भारत का जो स्टैंड है वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है इन दोनों के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, लेकिन जहां तक बात आती है कि फिलिस्तीन सपोर्ट करने की तो इसके लिए भी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टैंड आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन इसके अंदर क्या है कि हम चरणबद्ध तरीके से इस चीज को अगर समझे तो आप देखिए कि जैसे 1974 की अगर हम बात ले लें तो फिलिस्तीन लोगों के एकमात्र जो वैध प्रतिनिधि है पीएलओ को, पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसको नॉन अरेबिक कंट्री पहली भारत ही थी जिसने की रिकॉग्नाइज किया जी। तो दूसरा फिर आप देखिए उसके आगे जब हम चलते लाइक 1988 की अगर हम बात करते तो फिलिस्तीन को एज अ इंडिपेंडेंट स्टेट जो है भारत में सबसे पहली मान्यता भारत ने ही दी। और उसके बाद में अभी जैसे 1966 की अगर हम बात करें तो इनके जो राष्ट्रीय प्राधिकरण की बात है तो उसके लिए भी हमारे मिशन को फर्स्ट टाइम वहां पर ओपन किया गया 1996 में फिलिस्तीन में, विच में कंटिन्यूअसली हमारे जो सर्टिफिकेट्स हैं, सर्टिफिकेट ऑफ ऑथेंटिकेशन रिकॉग्निशन, ये हम फिलिस्तीन को टाइम टू टाइम देते रहे हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है कि भारत फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है इतना ओपनली, लेकिन इसका एक कैच है, इसका एक डिप्लोमेटिक नहीं, इसका एक कूटनीतिक कैच है जिसका इसको एलिगेशन लगेगा मेरे बोलने से, और ये एलिगेशन है भी। और सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज के थ्रू केंद्र सरकार जो है वो भारत में एक मुस्लिम कार्ड खेल रही है जिसको आगामी लोकसभा चुनाव में भुनाया जाएगा। ये चीज मैं आपके आज के शो में साबित भी कर दूंगा विद प्रूफ। तो हम यानी कि हमास को किया जा सकता है, ये आप इशारा कर रहे हैं कि किया जा सकता है हमास को आतंकवादी संगठन घोषित? हमास को आतंकवादी संगठन तब तक घोषित नहीं किया जाएगा भारत के द्वारा जब तक या तो भारत पर हमला ना हो जाए, चाहे देश में चाहे विदेशों में हमारे दूतावासों पर या हमारे किसी भी एक एसेट के ऊपर हम पे डायरेक्ट हमला नहीं हो जाए, अदरवाइज इसको सेफ रखा जाएगा 24 के इलेक्शन तक और उसको घोषित नहीं किया जाएगा। ये मैं आपको अपनी पॉलिटिकल असेसमेंट बता रहा हूं। जिस तरीके से ये घटनाक्रम चला आ रहा है उस पूरे घटनाक्रम के अनुसार यदि आप देखेंगे तो इसके ऊपर बहुत साइलेंटली प्ले करेगा इंडिया, और केंद्र सरकार बहुत ही चतुराई से इस पूरे चीज को प्ले आउट कर रही है। गिलोन ने जो मांग की है कि हमास को अब ये वक्त आ गया है कि एक टेररिस्ट आउटफिट घोषित कर दे भारत सरकार, तो ये मांग कितनी ज़्यादा जो है इस पर विचार किया जा रहा है सरकार की तरफ से? नीलम चौधरी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। नीलम मैम, अधीश जी ने जिस तरह से इस पूरे सवाल पर अपना पक्ष रखा है, आपसे मैं समझना चाहूँगी कि हमास को लेकर भारत की सरकार का, तो मुझे लगता है कि कोई दो राय नहीं है। भारत की सरकार के जो सबसे पहले प्रथम व्यक्ति हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने हमास के हमले को आतंकवादी हमला करार दिया था। जी नहीं, उस हमले को आतंकवादी करार दिया था, लेकिन हमास को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं अनाउंस किया था। और देखिए कि भारत आज भी दुनिया में नेहरू और गांधी के रूप में माना जाता है कि हम उनसे बिलोंग करते हैं और हम जो है विक्टिम के साथ खड़े होंगे, ये हमारी पॉलिसी भी रही। लेकिन आप याद, हमने एक इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है एक बड़ा इंडिया ने जो शेयर किया था जो मिडल से होकर इजराइल से होकर गुजरता है जी। तो एक दबाव इस तरह का भी कि अगर आप उस कॉरिडोर को बनाना चाहते हैं तो आप हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन अनाउंस करें, तो ये एक तरह का दबाव जो है वो डिप्लोमेटिक वे में जो बनाया भी जा रहा है। देखते हैं समय प्रधानमंत्री तरह से उस, तो ये तो इस समय आने पर पता करते हैं या नहीं करते, लेकिन दुनिया की नजरें इस
पर जरूर होंगी, क्योंकि हम हमेशा से जो फोन अलाइन के पक्षधर रहे हैं, तो इस समय हम कौन सी पोजीशन। दूसरा आप देखें कि वक्त जो है इसराइल जो है वो हमास को हर तरीके से खत्म कर देना चाहता है, मिलिटरली भी और पॉलिटिकली। हमास एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन भी है, वो गवर्न भी कर रही है, तो वो उसको दोनों तरह से कि चाहे उनके लीडर्स को मारा जाए, गिरफ्तार किया जाए, उनके ठिकानों को खत्म कर दिया जाए, तो ये उसके प्रोजेक्ट। और इसमें भी देखिए 3 हफ्ते हो चुके हैं और कोई सक्सेस नहीं मिली है। और अगर हम 50 का जो एक वियतनाम वार्ता अगर हम उसको याद करें, तो उसमें जो है जो नॉर्थ वियतनाम था, अंडरग्राउंड टनल्स बनाई तो पूरे शहर बसे हुए थे, और वही टेक्निक अगर हम देखें तो आज हमें गाजा स्ट्रिप में भी उसी तरह की जो है अंडरग्राउंड जो टनल्स है शहर हुआ है वो नजर आता है। तो उस वक्त इतना फेलियर था, अब आप देखें बहुत बदल चुकी है। तो हमास ने 3 हफ्ते एंड किया है, उसके बाद ही वो कितना बड़ा मुकाबला देगा। और अभी जो है रिसेंटली जो एक पिक्चर भी शेयर हुई है केबना में, इराक से ये जो 3 ऑर्गेनाइजेशन है, हिजबुल्लाह, हमास और इस्लामिक जो ऑर्गेनाइजेशन जिहादी जी, तो वो भी है। तो ये जो युद्ध है ये सिर्फ 3 हफ्ते का नहीं है, ये पता नहीं यूक्रेन की तरह कितना और लंबा खींचेगा। और भारत की भूमिका जो में अगर आ जाती है और हम इसराइल के पक्ष में खड़े होते हैं, तो अगर खुदा ना खास्ता आप सोचें अगर चाइना भी एक तीसरे फ्रंट खुल जाता है उसके ताइवान को साथ लेकर, तो भारत की स्थिति क्या, क्या हम उसको जो है अपने एयर स्पेस देंगे। तो बहुत एक यानी आप कहते हैं कि भारत ऐसा अभी कोई जो है फैसला नहीं करेगा, हमास बहुत मुश्किल, बहुत पुरगामी जो चीजें हैं वो भी सोचनी पड़ेंगी कि कभी ऐसा ना हो कि हमारी स्थिति अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसी हो जाए। तो ये आता नहीं है, तो शायद इसीलिए भारत जो है वो अपना जो सारे के सारे आप कह सकते हैं कार्ड्स जो है वो प्ले नहीं कर रहा, बहुत समझदारी से सिर्फ अपनों की निंदा कर रहा है और जिनको जो दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, जो लोग मारे जा रहे हैं, उनके पक्ष में थोड़ी सी सहानुभूति है। तो लेकिन खुलकर खेलना मुझे लगता है भारत के लिए बहुत बड़ी मुश्किल स्थिति है। बिल्कुल प्रोफेसर, हमारे साथ प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने भी जुड़े हैं। प्रोफेसर आपको क्या लगता है इस पूरे मसले पर, आपने सुना अधीर जी को भी सुना, आपने नीलम जी को भी सुना, दोनों की ही जो हमारे जो पैनलिस्ट हैं दोनों की जो है विपरीत जो है ओपिनियन है, आपको क्या लगता है? जैसे नीलम मैम ने भी कहा कि अगर हिजबुल्ला मिलते हैं, इस्लामिक जिहाद मिलते हैं, हमास के लीडर मिलते हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक डर लगातार बनाया जा रहा है या फिर इसका इशारा किया जा रहा है कि हो सकता है इस युद्ध का जो दायरा है वो बढ़ जाएगा। मैं लेबनान में भी लेबनान की भी स्थिति समझना चाहूँगी, और हमास एक जिस ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 4 बंधकों को रिहा कर चुका है, ऐसे में आप हमास की स्थिति को कैसे देख पा रहे हैं और उससे भारत की स्थिति को कैसे जोड़ते हैं? लेकिन यहाँ जी सबसे पहले तो एक बात बहुत स्पष्ट होना चाहिए कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठा ही नहीं जाना चाहिए। यदि अजहर मसूद को आतंकवादी घोषित करने के मामले में चीन सवाल उठाता है, तो आप चीन को ये कहते हैं कि आप आतंकियों की हिमायती है। सैकड़ों लोगों को जो एक महोत्सव मना रहे हैं, अपने जश्न में डूबे हुए उन लोगों को जाकर काट देना, उन बच्चों को मार डालना, उनको जो उनको जिस बेरहमी से मारा गया है वो मानवीयता के लिए बहुत बड़ा अपराध है। इससे अमानवीय इस दौर में हमने आईएसआईएस को देखा था, उसके बाद हमास को देखा था। तो आप हमास का समर्थन किस बूटे कर दें, या कोई देश जो है, खासकर भारत जैसे लोकतांत्रिक देश जो आतंकियों से लगातार जूझते रहे हैं, उनका स्टैंड बहुत क्लियर है, क्योंकि हमने लश्कर ए तोयबा को देखा है, हमने हरकतुल मुजाहिदीन को देखा है, हम आतंकियों से जूझने वाले देश हैं। और इस मामले में भारत का जो स्टैंड है बहुत क्लियर रहा है। और वहीं पर आप देखिए गजा में जब अस्पताल पर हमला होता है तो भारत ने उसकी भी मजम्मत की है। इसका मतलब है कि भारत की जो विदेश नीति है वो नियंत्रण और संतुलन की है। चूंकि हम एक लोकतांत्रिक देश है, इसलिए जो इसराइल वाला मसला है उस पर हमारी विदेश नीति पर सवाल उठाए नहीं जाना चाहिए। जहां तक दूसरी बात आप कर रहे हैं कि ये युद्ध कहां तक जा सकता है, तो देखिए बहुत स्पष्ट है, इसराइल ने बहुत स्पष्ट कर दिया इस मामले को लेकर कि आने वाले 90 दिनों में यह युद्ध समाप्त होगा। इसका मतलब साफ है कि जो सुरंगें बनाई गई है जो गजा में, और एक यहाँ पर एक बात और सोचना पड़ेगा कि जो गजा है वो 80% संयुक्त राष्ट्र की मदद से चलता है। मतलब आप 80
प्रतिशत संयुक्त राष्ट्र की मदद से चलते हो, लेकिन जो मस्जिदें बनी है, धार्मिक स्थल बने, जो अस्पताल बने, जो स्कूल बने, उसके नीचे आतंकियों ने सुरंगें बना रखी है। इसका मतलब यहाँ पर यह भी समझना पड़ेगा कि जो संयुक्त राष्ट्र, यूरोपियन संघ या हम जो जिन लोगों को मदद देते हैं, उस मदद का उपयोग क्या किया जाता है। यह वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो पूरा गजा का इलाका है, उसकी जमीन के नीचे सुरंगे हैं और वो सुरंगे के जो द्वार है वो लोगों के घरों में खुलते हैं। इसका मतलब है कि हमास ने जो हमला किया है उसने फिलिस्तीन के उस ख्वाब को तोड़ दिया है। फिलिस्तीन के पक्ष में दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश खड़े होते हैं और यहाँ पर सऊदी अरब के जो प्रिंस है उन्होंने भी बहुत क्लियर कहा है कि जो फिलिस्तीन की मांग है, फिलिस्तीन राष्ट्र की मांग है, उसको भारत के राष्ट्रीय आंदोलन से सबक लेना चाहिए, गांधीवादी आंदोलन से सबक लेना चाहिए। जी, जी। अब दूसरी बात, यह युद्ध कहाँ तक जाएगा, एक प्रश्न ये भी पूछा आपने। तो देखिए, इसराइल जो है दुनिया की अत्याधुनिक सेना उसके पास है, दुनिया में सबसे ज्यादा जो अत्याधुनिक हथियार है वो इसराइल के पास है, और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसराइल इस बात को जानते हैं कि या तो वो इसराइल के साथ ही जिंदा रह सकते हैं या वो मार डाले जाएंगे। क्योंकि इस दुनिया में आप इतिहास उठा के देखिए, जितनी भी कौम है जिन पर सबसे ज्यादा नरसंहार, जिनको सबसे ज्यादा निशाना बनाया गया है, वो यहूदी है जिनको जर्मनी में भी मार डाला गया, जो ब्रिटेन में भी जिनको जहाज रोके नहीं गए। आज अमेरिका भले इसराइल के साथ खड़ा हो, लेकिन अमेरिका में भी यहूदियों के साथ सेकंड वर्ल्ड वार के पहले कोई कम अपराध नहीं हुए थे। तो हिजबुल्ला चाहे जितनी धमकी दे, ईरान चाहे जितनी धमकिया दे दे निहाची, लेकिन ईरान में इतना मादा नहीं है कि वो इसराइल पर हमला कर दे, क्योंकि भूमध्य सागर में अमेरिकी जो जहाज है वो इस बात को सुनिश्चित कर चुके हैं कि यदि कोई तीसरा देश इसराइल पर हमला करने की कोशिश करता है तो उसको कड़े परिणाम भुगतना पड़ेंगे। जहां तक हिजबुल्ला की बात है तो लेबनान जो है स्वयं गृह युद्ध में जूझ रहा है और लेबनान के कुछ हिस्सों में हिजबुल्ला काम करता है। इसके साथ ही साथ इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अमेरिकन सैन्य अड्डे वो इराक में भी है, अमेरिकन सैन्य अड्डे जो है तुर्की में भी है। तो इसलिए जो इसराइल के आसपास के जो इलाके हैं या जो मध्य पूर्व है वहां पर अपना प्रभाव बनाए रखने के लिए यूरोपियन संघ को इसराइल की मदद की दरकार है और वो अपने आप मजबूत बनाए रखेंगे। आपने सुना कि किस तरह से नीलम मैम ने जो अपनी बात रखी है या फिर प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने जो कहते हैं, लेकिन एक मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि यूएन रिप्रेजेंटेटिव को अगर वीजा देने से कोई देश इनकार करता है और इस आधार पर इनकार किया जाता है कि जनरल जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटरेस, उन्होंने कोई विवादास्पद बयान दे दिया या टिप्पणी दे दी, आप इसे एक लोकतांत्रिक देश का फैसला कहेंगे? और क्या कोई भी देश अगर भारत को ही ले ले, क्या भारत ऐसा देश बन पाएगा या फिर ऐसा देश खुद को दर्शा पाएगा कि वो सही को सही और गलत को गलत कह सके? देखिए, एक चीज बिल्कुल स्पष्ट है कि यूनाइटेड नेशंस देशों का समूह है और उसकी अध्यक्षता एक समय पर एक देश के पास होती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्योंकि किसी चीज को प्रेजेंट करना और किसी चीज को हेड करना, दोनों में डिफरेंस है। यूनाइटेड नेशंस में आप ये समझ लीजिए कि भारत कभी भी कोई भी देश, मैं भारत की बात नहीं करूंगा, इतना मजबूत नहीं हो पाएगा कि यूनाइटेड नेशंस पूरा संयुक्त राष्ट्र उसके अनुसार चलना शुरू कर दे। ये एक असंभव सी बात है क्योंकि यूनाइटेड नेशन गठन जिस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से इसकी संरचना है, जिस तरीके से इसकी कार्यप्रणाली है, वो किसी भी एक संप्रभु देश को ऐसे अधिकार नहीं देता कि उसकी बताए पद चिन्हों पर वो चलना शुरू कर दे या उसके हिसाब से उसके लिए बहस करके या उसके गेस्ट को करके इस तरीके काम करे। पहली बात बिल्कुल दिल। अब इसके अंदर बात आती है कि इसके विषय में जो भारत का स्टैंड है कि हम इसे आतंकवादी संगठन घोषित कर दें हमास को। जैसा कि देखिए, मैंने पहले आपको कहा कि इसके अंदर जो कूटनीति है, कूटनीति क्यों इतनी सी है कि आप अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रहे किस कंट्री की तरफ। लेकिन मेरा एक विषय है, भारत क्यों ये काम नहीं कर सकता, उसकी आप एक अटकल को समझिए, उसकी प्रॉब्लम को समझिए। भारत खालिस्तान को एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर देता है, लेकिन उसकी जड़ें कहां है? कनाडा में। क्या कनाडा भारत के अंदर किसी खालिस्तानी बड़े आतंकवादी घटना होने के बावजूद भी वहां पर अपने देश में खालिस्तान और उससे जुड़े हुए लोगों को टेररिस्ट मान लेगा क्या? ये कितना आसान या कितना मुश्किल होता है इसको समझने के लिए आपको बहुत छोटी सी बात मैं बताना चाहता हूं कि 2006 के अंदर फिलिस्तीन के अंदर जब इलेक्शन हुआ
हमास ने सत्तारूढ़ पार्टी फतेह पार्टी को हरा करके फिलिस्तीनी संसद में बड़ी संख्या में सीटें हासिल कर ली थी। जी तो चुनाव के बाद हमास और फतेह के बीच में संघर्ष पैदा हुआ जिसको सुलझाने के लिए टोटली वो लोग बिल्कुल भी असमर्थ रहे। और 2007 के अंदर में हमास ने हिंसक झड़पे की पूरी श्रृंखला शुरू कर दी और फतेह को हरा दिया। तो उसके बावजूद आप ये देखिए कि जब आप ये देखेंगे कि इस तरीके की टेरर फंडिंग की वजह से कल को आप सोचिए कि भारत के अंदर कुछ सांसद लोग अचानक से हमास जैसे संगठनों के लिए नारेबाजी करने लगे तो क्या हम उतनी तीव्र कार्रवाई करके उनको आतंकवादी घोषित करके और उनके परिवारों को नेस्तनाबूद करने पर चले जाएंगे क्या? इसका एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ आपको मैं। दिल्ली के अंदर अमानतुल्ला के छत के ऊपर, घर की छत के ऊपर हैंड ग्रेनेड और बहुत सारा बम बनाने का सामान मिला, तो उससे क्या आम आदमी पार्टी को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित किया जा सकता है क्या? इस चीज को आप अंतरराष्ट्रीय पटल पे जब समझेंगे तो निश्चय ही भारत जो कई देशों को साथ में लेके चलना चाहता है, जिसको विश्व गुरु बनने के लिए, जिसको देश की दुनिया की तीसरी या पहली अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी बनने के लिए रास्ता चुनना है, उसके लिए इतना आसान नहीं है कि वो एक ऐसे देश के अंदर एक ऐसी संस्था को जो केवल चरमपंथी के रूप में काम करती है वहां पर। जिस तरीके से भारत के अंदर आप जम्मू कश्मीर में देखिए तमाम चरमपंथी संगठन आज भी सक्रिय हैं, वो काम करते हैं, लेकिन क्या उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर पाया है भारत इतने सालों में? नहीं कर पाया है। ऐसे ही हाथ हमास के मामले में भी भारत के बंधे हुए हैं, खासतौर पर तब जबकि लगभग कुछ ही महीने का समय रह गया है लोकसभा चुनावों के लिए। और ये एक अंतरराष्ट्रीय विषय होता है जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर लोकसभा के चुनाव आम चुनाव होने होते हैं, क्योंकि दुनिया के लीडर अगला कौन बनने वाला है इससे दुनिया को बहुत फर्क पड़ता है और सबसे ज्यादा फर्क खुद स्वयं भारत को पड़ता है। जी। तो इस तरीके से आप हमास को जस्ट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रात घोषित कर देंगे, उसके लेटर ऑन जो आफ्टर इफेक्ट्स होंगे उसके लिए भारत तैयार है क्या? जी, इसके बारे में सोचना हो। बिल्कुल, इसी से जुड़ा जो I2U2 या फिर IMEC, नीलम मैम मैं आपसे समझना चाहूंगी, जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन एक हफ्ते में दूसरी बार जो भारत मध्य पूर्व और यूरोप के बीच में आर्थिक कॉरिडोर की बात करते हैं कि कहीं ना कहीं यही वजह हो सकती है कि हमास ने हमला किया होगा, तो फिर आपको क्या लगता है कि ये जो अगर जंग ज़्यादा खिंच गई तो इस आर्थिक कॉरिडोर को कितना बड़ा नुकसान, क्योंकि इसराइल तो कह रहा है कि इसे कोई नुकसान नहीं है, जबकि बाइडेन को ये कहना है, उनको उन्होंने संकेत दिया कि इसके सबूत तो नहीं है लेकिन ये वजह हो सकती है। जी नेहा, जब G20 में इस कॉरिडोर की बात हुई थी तो बाइडेन ने ये कहा था कि ये 90 डेज में जितने भी कंट्रीज हैं उन सबको इस चीज के लिए मना लेंगे। और आप देखिए सितंबर के लास्ट वीक में यूनाइटेड नेशंस में नेतन्याहू ने जो स्टेटमेंट दी थी, एक चार्ट भी दिखाया था, एक मैप भी दिखाया था, कॉरिडोर बनने से जो मिडल ईस्ट का जो है वो नक्शा ही पूरा बदल जाएगा। और उन्होंने कहा कि किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट पे बात करने में फिलिस्तीन की कोई भूमिका नहीं है। उन्होंने कि जो प्रेजेंस को बिल्कुल इग्नोर कर दिया था कि वो वह सारे डिसीजन नेतन्याहू खुद लेंगे, इसराइल नहीं लेगा, फिलिस्तीन का कोई वजूद नहीं और ना ही उन्हें शामिल करने की जरूरत। और अब ये जो चीज है जो पूरी तरह से फिलिस्तीन का, अगर आप एक खत्म कर देते हैं तो जो 50 सालों से संघर्ष कर रहे हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस के प्रेसिडेंट बोला था, उन्होंने कहा था कि 50 ईयर है किसी रूम में तो वो लोग काम नहीं कर रहे, तो जिस वजह से जो एक तो संघर्ष तो है उनका जमीन के अपने कारोबार के लिए, अपने बच्चों भविष्य के लिए। तो चीजें हैं नेचुरली, ये हो सकता है किट का एक ये वजह भी ने बिहेव किया था। तो अभी बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है, कोशिश कि जैसा भी हम बात भी कर रहे थे कि आप देखें 2024 के जो इलेक्शंस हैं वो हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं, पार्टी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, और नेचुरली इसी जगह पर लगा हुआ है, इजिप्ट में भी इलेक्शन। जी तो जो कंट्रीज है जिनके स्टेक्स है, एक पॉलिटिकल जो विल है, जो मजबूरियां हैं अगले इलेक्शन की, वो भी इस वॉरलाइक जो कॉन्फ्लिक्ट है सब लोग बहुत संभल कर है। और इसकी सबसे ज्यादा कोस्ट वहां के औरतें और बच्चे दे रहे हैं जिनकी डेथ हो रही है, लेकिन ये वॉर जो है गरीला वॉर है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब 7 अक्टूबर को अटैक एक्सेप्ट कर चुके हैं कि उसमें वो फेल हुए थे, तो अगर वो एक फेल हुए तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी तैयारियां कितनी है
और जो उनके पास इतना साजो सामान, तो अभी जैसे कि वियतनाम वॉर में बनाए अमेरिका ने जो फेल हुए थे, और 15 अप्रैल 1975 में जिस तरह से जो पिक्चर्स आई थी हेलीकॉप्टर से भागते हुए, तो उस तरह से हमास ने ग्राउंड टनल्स बनाई है। आई थिंक 21 में अल जजीरा ने खुद दिखाया भी था, तो किलोमीटर का जाल है, तो स्ट्रगल इतना वाला नहीं है। तो सभी अपनी अपनी पोलिटिकल पोस्ट को बेहतर करके स्टैंड दे रहे हैं, तो सीआरपी का कोई नजर नहीं है। तो पॉलिटिकल मोटिव्स भी हैं और अमेरिका कमर्शियल मोटिव्स भी हैं, इस बार वो अपनी जो है जो वेपन्स हैं वो प्रोवाइड करता रहता है, वो जितने जितनी यूक्रेन अभी तक हमारे हाथ नहीं आया, कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आया, तो स्टार्ट हो गया है। जैसा कि ट्रंप ने कहा भी था तो कि ये थर्ड वॉर की तरफ जा रहे हैं, इफ ही विल कम ही विल स्टॉप दिस वॉर, तो वहां की पॉलिटिक्स भी बहुत मैटर करती है। जी, तो ये टग ऑफ वॉर भी चल रही है जिसकी वजह से कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा इस वायर का, जैसा कि भारत की पिछली सरकारों की रही है। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलूने हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर, कहीं ना कहीं जो भारत की जो छवि है वो शुरू से ऐसे देश की रही है जो मानववादी मूल्य जो हैं उन पर आगे बढ़ने वाला, जो गांधी का देश है। और अभी नीलम मैम ने भी जो एक मध्य पूर्व के नेता हैं उन्होंने अपनी बात फिलीपींस फिलिस्तीनियों के अधिकारों को लेकर रखी थी कि सीखना चाहिए भारत से कि कैसे जो है ब्रिटिश हुकूमत से आज़ादी हासिल की। गांधी जैसे जो नेता हैं, नेल्सन मंडेला जैसे जो नेता है, उनसे सीखने की ज़रूरत है। तो जब भारत की छवि चाहे वो मुस्लिम देशों के बीच हो चाहे पश्चिमी देशों के बीच हो ऐसे देश की है, तो क्या हम उसी छवि को साथ लेकर आगे बढ़ रहे हैं या फिर छवि में बदलाव भी हुआ है क्योंकि हम ज़्यादातर मौक़ों पर इज़राइल के साथ खड़े नज़र आते हैं? लेकिन यहाँ जी बड़ा दिलचस्प सवाल है और यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना चाहूंगा। देखिए, सबसे पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत कहाँ पर खड़ा है यह सबसे पहले पहचाना था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र की स्थापना जो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी तो उसमें किसी की 5 सदस्यों के सिवा किसी की कोई हैसियत है ही नहीं, उसे बहुत स्पष्ट लिखा गया है, मतलब आपकी हैसियत बाकी जो 5 सदस्य चीन, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, ये सुरक्षा परिषद के सदस्य, इसके सिवा किसी की हैसियत इतनी है कि साल में सितंबर में न्यूयॉर्क में आप इकट्ठे होंगे और आपके राष्ट्राध्यक्ष को 15 मिनट बोलने के लिए कहा जाएगा। ये संयुक्त राष्ट्र में आम जो देश है उनकी हैसियत है। इसके बाद वो किसी भी मामले पर कुछ नहीं कर पाएंगे और ये जो 5 देश है उन 5 देशों की राजनीति के साथ साथ चलना पड़ा। तो देखिए, आप 50 का दशक हुआ, 60 का दशक जैसे ही आया तो 60 के दशक में जो अमेरिका है वो वियतनाम में चला गया, वियतनाम पे चढ़ाई कर दी। 70 का दशक आया तो 70 के दशक में जो कंबोडिया वहां के जो खमेर रूस थे वो माओवादी थे, चाइना का समर्थन करते थे, कंबोडिया में गृह युद्ध छिड़ गया। 80 का दशक आया, 80 के दशक में आपने क्या किया कि आप अफगानिस्तान चल गए और अफगानिस्तान में गृह युद्ध शुरू हो गया। 90 के दशक में आया तो खड़ी युद्ध की शुरुआत हो गई। और ये सारे मसले पर आप देखिएगा कि जो सुरक्षा परिषद के सदस्य बेलगाम रहे और इन सारे युद्धों में भी भारत की भूमिका देखे, देखिए आपको देखना पड़ेगा। तो भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन खड़ा करके कम से कम ये सुनिश्चित किया कि जो वैश्विक ताकतें उनके साथ युद्ध की रणभूमि में या विध्वंसक कामों में जो विकासशील देश है, पिछड़े देश है, गरीब देश है, शामिल नहीं हो, पर कम से कम ये सुनिश्चित हो जाए कि उन देशों का विकास हो, उन देशों में यूनिसेफ जैसी योजनाएं काम करके ठीक तरीके से काम करे। जी। अब जहां तक भारत की कूटनीति का सवाल है तो देखिए, किसी भी देश की जो कूटनीति होती है वो किसी राजनीतिक दल की कूटनीति कभी नहीं हो सकती। उस कूटनीति पर प्रभाव होता है उस देश के ढांचे का, उस देश के राजनीतिक जो राजनीतिक परिवेश है या उस देश में रहने वाले लोगों का। जी। अब आप भारत को आप देखते हैं तो भारत में हिंदू बहुसंख्यक है लेकिन किसी गैर इस्लामिक राष्ट्र में सबसे ज्यादा जो मुसलमान रहते हैं भारत में रहते हैं। आप देखिएगा कि यहूदी जो है वो अपना दूसरा घर भारत को कहते हैं, पहला घर उनका इसराइल है लेकिन दूसरा घर भारत को कहते हैं। क्रिश्चियंस जो है, आप उत्तर पूर्व के राज्यों में चले जाएं तो आप उत्तर पूर्व में क्रिश्चियंस बाहुल्य राज्य बहुत सारे देख लेंगे। ऐसे में जो भारत नीति है वो नियंत्रण और संतुलन पर
स्थापित रही है। और भारत ने देखिए, हम यह नहीं भूल सकते कि हमने फिलिस्तीन का समर्थन जरूर किया है, लेकिन भारत ने 1950 तक आते आते इसराइल के समर्थन को, इसराइल को अपना समर्थन दे दिया था। वो भले ही 1992 में उससे हमारे वैदेशिक संबंध स्थापित हुए हो, लेकिन यहाँ पर दूसरी बात और एक है नया चीज इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि जो हमारी वैदेशिक नीति होती है वो हमारे राष्ट्रीय हितों का प्रतिबिंब भी होती है। जब ठीक युद्ध समाप्त हो गया तो हम दुश्मनों से घिरे हुए हैं, हमारे देश की संप्रभुता को देखना है, हमको हमारे देश की रक्षा भी करना है और रक्षा करने के लिए हमको हथियार चाहिए। अब देखिए आप रूस पर कितना भरोसा करोगे, रूस भारत को दोस्त कहता है लेकिन चीन को भाई कहता है। आज यदि किसी चीन से भारत का युद्ध हो जाए तो रूस जो है वो भारत की मदद के लिए बिल्कुल नहीं आएगा। 1962 के युद्ध में भी ऐसा हुआ था जब ख्रुश्चेव ने भारत को हथियार पहुंचने में देरी कर दी थी और इसका परिणाम भारत को भोगना पड़ा था और अमेरिका को हथियार पहुंचाना पड़ा था। तो इस समय जो देश हमको सबसे ज्यादा हथियार देता है, अत्याधुनिक हथियार देता है, वो इसराइल देता है। ये इसराइल की हमको बहुत जरूरत है क्योंकि हमको हमारी सामरिक सुरक्षा भी सुनिश्चित करना है। और दूसरी तरफ वो रणनीतिक तौर पर भी हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है कि जो पिछले दिनों हमने G20 की बैठक में जिस कॉरिडोर की हमने कल्पना की थी, जो भारत यूरोप तक जाने वाला कॉरिडोर है, उसका इसराइल एक महत्वपूर्ण भाग है। रणनीतिक तौर पर भारत अमेरिका इसराइल मध्य पूर्व जो है इसमें शामिल है, संबंध है। प्रोफेसर आपने सही कहा जी, इनके बड़े रणनीतिक संबंध है। बिल्कुल तो अधीर जी, जी समय बहुत सीमित है जी जी, तो आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि यदि आपकी आंतरिक सुरक्षा निश्चित करना है, अपने देश की संप्रभुता की सुरक्षा करना है, तो आपको इसराइल का समर्थन करना पड़ेगा और आपको संतुलन भी स्थापित करना पड़ेगा। इसलिए मुझे भारत की वर्तमान कूटनीति ठीक नजर आती है और इसके पहले भी जो कूटनीति थी वह भी नियंत्रण और संतुलन पर आधारित ही थी। ठीक है, G20 की जो नई दिल्ली समिट थी ये बहुत सफल कहा गया और इसमें जो खास करके जो अमेरिका का योगदान रहा, पश्चिमी देशों का जो योगदान रहा, इसकी भी काफ़ी तारीफ की गई कि जो एक कंक्लूजन निकला, जो डिक्लेरेशन निकला, उसमें कहीं भी जो रूस को क्रिटिसाइज नहीं किया गया था। जब इतनी बड़ी भूमिका भारत निभा सकता है तो फिर इसराइल और हमास जंग में अगर मध्यस्थता की बात हो तो फिर जब हम इसराइल के साथ खड़े हुए दिखते हैं, या फिर जिसका गुस्सा अब मध्य प्रदेश सॉरी जिसका गुस्सा जो है अब मध्य पूर्व के देशों में बहुत ज़्यादा उबलता हुआ नजर आ रहा है अधीर जी, तो फिर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हम भटक जा रहे हैं, हमें ये नहीं समझ में आ रहा है कि हम किस रास्ते पर चले, अगर हम शुरुआत से ही बीच का रास्ता लेकर चले तो ये उचित रहता? अधीर जी मैं आपसे भी समझना चाहूंगी एक लाइन में, और फिर नीलम मैम जुड़ी हुई उनसे भी समझना चाहूंगी जी। मैं केवल दो ही बातें कहना चाहूंगा इस पूरे विषय में, उसमें मुझे लगता है सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहली बात देखिए कि फिलिस्तीन को समर्थन करने का किसी भी एंगल पर भारत का कोई नया काम नहीं कर रहे हैं वर्तमान प्रधानमंत्री जी। ठीक है, तो आप देखिए कि चाहे टेक्निकल सर्विसेज देने की बात हो, MOU कोलैबोरेशन की बात हो, ठीक है, और असेरा अल के अंदर गर्ल्स जवाहर गर्ल्स स्कूल खोलने की बात हो, या अबू दीस में बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल खोलने की बात हो, या यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनने के लिए $10 मिलियन की फंडिंग करना हो, ये सब चीजें इतिहास गवाह है कि भारत पहले भी, प्रधानमंत्री मोदी के आने के पहले भी और बिना जंग के हालातों में भी फिलिस्तीन को तमाम प्लेटफॉर्म के ऊपर सपोर्ट करता रहा है। जब तक बात है गांधीवाद की, तो देखिए 1938 के अंदर भी फिलिस्तीन के ऊपर हो रहे अत्याचारों के लिए प्रोफेसर मार्टिन बुबेर को लेटर लिखा महात्मा गांधी ने, और उन्होंने ये बात कही कि फिलिस्तीन के अंदर जो भी कुछ होता है, जो भी कुछ हो रहा है, इन सभी अत्याचारों को नैतिक मानक के अनुसार कभी भी उचित नहीं ठहराया जा सकता। तो कोई अलग बात आज भी नहीं कह रहा है, यही एंटोनियो गुटरेस ने भी तो यही कहा था, फिर उनकी इतनी निंदा क्यों जी? अभी लेकिन जो हो रहा है, मैं केवल अब अपनी बात का सेकंड फ्रेज कहूंगा, उसके बाद मेरी बात बिल्कुल कंप्लीट है जी, कि देखिए इसके अंदर अभी जो है पूरे प्रोपोगेंडा को आप समझिए और हमारी जो डिप्लोमेसी उसका मिसयूज कैसे कर रही है केंद्र सरकार, ये तो हमें समझने की जरूरत है जी। जो मैंने आपको बोला कि आम चुनावों के मद्देनजर मुस्लिम कार्ड खेला जा रहा है सीधे रूप से, वो कैसे, रजा अकेडमी के मौलाना मोहम्मद खलील उल रहमान ने मोदी सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ दिए, उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन की मदद करने के लिए राजधर्म है और प्रधानमंत्री ने बहुत बढ़िया काम किया कि मजलूमों की वो मदद कर रहे हैं। मेरा कहना है कि जहां 600 लोग एक और मर रहे हैं और दूसरी तरफ जहां 1400 लोग मर रहे हैं, तो भारत को 1400 लोग मरने वाले की भी तो मदद करनी चाहिए।
इसराइल के लिए भी तो एड भेजनी चाहिए और उसकी भी तो तारीफ पे करनी चाहिए। मोहम्मद खलील वहां पे मरने 1400 लोगों से सहानुभूति नहीं रखते, ये हमें बात सोचनी चाहिए। दूसरी बात, कैसे समय राजनयिकों का समाप्त हो गया। दुरुपयोग मोदी सरकार कर रही है वो मैं आपको बताऊं कि यूएन के अंदर, आप देखिए सुरक्षा परिषद के अंदर भारत के परमानेंट डिप्यूटी एम्बेसडर आर रविंद्र का बयान सुनिए आप, किस तरीके से डिजाइन करके डेकोरेटेड फॉर्म में उनसे बुलवाया गया है कि इसराइल पर हुआ अटैक जो है वो है तो आतंकवादी हमला, लेकिन गाजा के अंदर जो मौतें हो रही उसके ये मानवता पे बड़ा संकट है। क्यों? जी इसराइल के समय अंदर समाप्त तो दुगने से भी ज्यादा मौतें हो रही है, वो मानवता का संकट ये तो पश्चिमी देशों की आवाम भी मान रही है कि जो गजा पर हो रहा है ये मानवीयता पर जो है जुल्म हो रहा है। नीलम मैम माफी चाहूंगी, समय समाप्त हो गया है इसलिए मैं आपसे एक कंक्लूडिंग रिमार्क्स की अपेक्षा कर रही थी लेकिन समय इसकी इजाजत नहीं देता, तो बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला। प्रोफेसर ब्रह्मदीप अलू ने आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, और अधीश जी आपका भी बहुत बहुत आभार कि आप स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। दर्शकों से अनुरोध है कि आप लगातार हमें अपना फीडबैक भेजते रहें और आपसे अपेक्षा हमारी बनी हुई है कि आप हमें info@justbroadcasting.com पर ईमेल भेजना ना भूलें और neha@justbroadcasting.com पर भी आप मुझे ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।